下。So, बहुत अच्छी फिल्म है, एकदम राप्चिक लोकल लैंग्वेज में जैसे कहेंगे, बहुत रितेश इज़ वेरी वेरी गुड. द मेन स्टार ऑफ द फिल्म आई वुड से इज़ रवि जाधव, जो डायरेक्टर है. उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से स्टोरी को हैंडल किया है. सम ग्रेट म्यूजिक, ग्रेट विजुअल्स एंड फुली मासिव फिल्म. ऑब्वियसली रितेश, नॉट बिकॉज हीज़ फैमिली, जेन्युइनली आई थिंक रितेश, इवन धर्मेश भी, जो सारे दोस्त हैं बहुत अच्छे. नरगिस इज़ गुड, बट ये जो चारे दोस्त हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे. जैसे कि देखा जा रहा है कि मुंबई हाई अलर्ट पे है, तो इस पे आप लोगों के सिक्योरिटी पे कुछ इफेक्ट पड़ता है अगर जानना चाहेंगे तो? नहीं यार, हम लोग नॉर्मल लोग हैं, हाई अलर्ट हो या नहीं हो, हम यू नो मुंबई वासी हमेशा, यू नो वी हैव नो अदर ऑप्शन. यस आई वुड जस्ट से दैट प्लीज़ टेक केयर, दैट्स ऑल वी कैन डू. डेली उठ के काम तो करना ही है. यू नो एक कहावत है कि बहुत प्रॉब्लम है, एक बच्चे से पूछा गया, यार आप 10 साल से आपको कैंसर है, आप क्या करते हो? बोला डेली सुबह उसके नाश्ता करते. नाश्ता तो करना ही है ना, सिंपल से. सोशल मीडिया ऑलवेज हेल्प्स, इट ऑल्सो मिस यूज, बट विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो सही तरीके से यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली इट्स बेनिफिशियल टू रीच आउट टू योर फैंस, टू बॉन्ड विद को एक्टर्स. सो इट्स ऑलवेज गुड, डिपेंड्स हाउ यू यूज इट. आई एम नॉट पर्सनली वेरी सोशल मीडिया फ्रेंडली. थैंक यू. क्या है कि मेरी फिल्म है, मैं खुद देख के आ रहा हूँ, मेरे दोस्त हैं, मेरे परिवार वाले हैं, तो उनके बायसेस तो रहेंगे, पर ऑल आई कैन से इज़ आई एम प्राउड ऑफ बैंजो. अपार्ट फ्रॉम दैट, यशराज की स्क्रीनिंग हुई है, तो हमने भी वहाँ पर रिएक्शन जानना चाहा, तो किस तरह की होती है रितेश, जब इस तरह के रिस्पॉन्स, बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स? नहीं, क्या है, फिल्म मेहनत से करते हैं एंड होपफुली एक अच्छी फिल्म बनाई है. जो मैंने आज देखी मुझे पसंद आई, पर क्या है, मैं एक्टर हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए. अब कल रिलीज़ होगी, सो लेट्स सी व्हाट पीपल हैव टू से अबाउट इट. बहुत टाइम लगा था गणपति के टाइम पे ये फिल्म रिलीज़ कर देनी चाहिए, थोड़ा लेट हो गया, क्या लेट, ये पिक्चर गणपति की पिक्चर नहीं है ना, इट्स ये कभी भी आ सकती है. नो आई मीन आई एम एंग्शियस मोर देन एक्साइटेड और नर्वस, आई जस्ट वांट टू सी हाउ पीपल रिएक्ट टू द फिल्म. क्या मुंबई हाई अलर्ट पे हैं के डायरेक्शन के लिए, तो क्या आप लोगों के सिक्योरिटी के लिए कुछ खास बंदोबस्त की जाती है इसके वजह से, क्योंकि यू आर आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, बॉलीवुड के रिप्रेजेंटेटिव हो, तो कुछ? नहीं, आई थिंक हमारी पुलिस और आर्मी सक्षम है, और अगर
कुछ इशू होगा तो आई एम श्योर दे अलर्ट एवरी वन ऑल द सिटीजन्स. और मैं कुछ आपसे अलग नहीं हूँ. आई थिंक मेरी जान उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी आपकी जान इम्पोर्टेंट है. सो इट डजंट रियली मैटर के कोई सेलिब्रिटी है नहीं है. आई थिंक एवरी वन इज इक्वल. और आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को पता चल जाएगा कि हमको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं. आप अपने फैंस को क्या कहेंगे इस बारे में? इट्स लाइक फॉर द सेफ्टी एंड सेफ्टी के लिए. सेफ्टी नहीं, आई जस्ट बी अवेयर और अपने टीवी और मोबाइल पर रहिए. आई एम श्योर पुलिस इत्तला करती रहेंगी क्या क्या आगे करना है. आई थिंक शी इज माई वाइफ, शी लव्स मी टू मच, बट शी इज एन ऑनेस्ट क्रिटिक एंड शी लाइक द फिल्म, सो आई एम हैप्पी. थैंक यू. अबे कैमरा घुसाएगा क्या? अरे यार,